हेलो स्टूडेंट, असीं सरकारी हाई स्कूल आलमगढ़ के दसवीं क्लास के विद्यार्थी हाँ। मेरा नाम दीपक है। मेरा नाम केशव है। अज असीं तुहाडे सामने साइंस दे पाठ दसवें प्रकार का परावर्तन अते अपवर्तन दीआं कुछ क्रियावां करके विखावांगे। असीं हुण तुहाडे सामने प्रकार का परावर्तन क्रिया करके विखावांगे। इस लई सानूं समतल दर्पण, एक दर्पण होल्डर अते एक लेजर लाइट की जरूरत पवेगी। असीं दर्पण नूं इस तरह रखते हाँ तो इस उत्ते 90 डिग्री की रेखा खिंचते हाँ, जिसनों अभिलंब कहते हैं। हुण असीं लेजर लाइट की मदद नाल एक कोण ते लेजर लाइट मारते हाँ। यह लाइट परावर्तित होकर उन्ना ही कोण ते वापस चली जाती है ते इन्हां कोणां नूं नोट करते हाँ ते कोणां नूं मापते हाँ कि यह कोण बराबर हैं जां नहीं। हुण जदों असीं इन्हां नूं अभिलंब तो मापते हाँ तो यह कोण 50-50 डिग्री के बराबर बने हैं। तो जिहड़े किरण जा रही है उसनों अपाती किरण, तो जिहड़ी किरण आ रही है उसनों परावर्तित किरण कहते हैं। अपाती किरण के बने कोण नूं आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण के बने कोण नूं परावर्तन कोण कहते हैं। इस क्रिया तो सानू प्रकाश के परावर्तन के नियम पता चलते हैं। इसका पहला नियम अभिलंब, अपाती किरण ते परावर्तित किरण इको तल ते हुंदे हन। इसका दूजा नियम है आपतन कोण अते परावर्तन कोण हमेशा बराबर हुंदे हन।